हेलो गाइस गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमओ की प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, आईएमओ पर वीडियो कॉल तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें आगे वाले पर्सन की आवाज़ नहीं आ पाती या हमारी उसको आवाज़ नहीं जा पाती। तो गाइस, यहाँ पर क्या कनेक्शन रहता है कि उसको हमारी आवाज़ नहीं जा पाती, हमारी और उसको नहीं आ पाती। तो क्या प्रॉब्लम रहती है और इसका क्या सलूशन रहता है, इस वीडियो में हम दोनों यही बात करने वाले हैं। और गाइज, यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक या जो आपको मैं सजेशन बताऊँ, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं जो है अपनी वीडियो कॉल लगाता हूँ तो दूसरे पर्सन को आवाज़ नहीं जा पाती, तो क्या रीज़न है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बैक आना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आईएमओ पर। तो आपको सिंपली बैक आने के बाद अपने मेन्यू बार में जाना है गाइस। मेन्यू बार में जब आप चले जाएंगे तो आपको उसके बाद अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग्स, तो इसको खोल लेना है। इस सेटिंग्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है और एक ही फोल्डर में जाना है, ऐप्स के फोल्डर में। तो ऐप्स में हम चलते हैं गाइस। गाइस, यहाँ पर आपको आईएमओ को ढूंढ लेना है। तो गाइस, ये रहा हमारा आईएमओ, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टॉप फोर्स पर क्लिक करना है। दोस्तों, इससे क्या होगा स्टॉप फोर्स करने से कि आपका जो रनिंग आइटम है, रनिंग डेटा है, वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो आपका स्टॉप फोर्स से जो आपका डेटा चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है परमिशंस। तो परमिशंस पर आपका माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए। अगर गाइस ये आपका ऑफ होता है तो यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं जा पाएगी किसी और को आपकी। तो ये जो है आपकी जो कुछ सेटिंग्स होती हैं उनकी वजह से आपका डिसेबल हो जाता है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये डिसेबल हो जाता है। लेकिन आप उसको इनेबल कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको सभी जो सारी सर्विस है उसको इनेबल रहने देना है। उसके बाद बैक आना है गाइस। यहाँ पर आप चाहे तो क्लियर कैचेस भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको मिलता है क्लियर डेटा का ऑप्शन, तो उसको कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैनेज स्पेस मैनेज का ऑप्शन है, तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक दफ़ा अपने मोबाइल को ऑफ़ कर लेना है और उसके बाद ऑन करना है। तो जैसे आप आईएमओ को खोलेंगे और उसके बाद जो है अपनी वीडियो कॉलिंग लगाएंगे, तो सक्सेसफुली वो आपकी वीडियो कॉलिंग लग जाएगी। और आपकी वीडियो कॉलिंग लगने के साथ साथ आपकी आवाज़ जो है दूसरे को जाएगी, और आपकी आवाज़ भी है वो आपको भी आएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि आपका माइक ख़राब हो सकता है। तो माइक के तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ कि आप कभी आप सोचे कि माइक का भी सोल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन वो माइक का सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर की कंडीशन है, आपके हार्डवेयर की कंडीशन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक सही होना चाहिए जब भी आपको दूसरे पर्सन को आवाज़ जाएगी। अगर आपका माइक ख़राब है तो यहाँ पर इन सेटिंग्स को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका माइक ही ख़राब है तो आपकी आवाज़ नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर आप इसको देखकर मेरी वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा। तो गाइज, मैं जो आपको बताना चाहता था, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।